हौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुंडला में एक महिला मंडल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी अंजू धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। अंजू ने महिला मंडल की प्रधान सुनीता डोगरा व सचिव को हार पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं ने कहा कि ये समूह लगभग 14 वर्षों से चल रहा है, परंतु आज तक महिलाएं सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए, इसलिए उन्होंने अंजू धीमान का सहयोग लिया ताकि महिलाएं एक नई पहचान बना सके। इस अवसर पर अंजू धीमान ने कहा कि महिलाओं को समाज में समान पहचान दिलवाना और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा महिलाओं को सरकारी योजनाओं हेतु प्रेरित करती हैं। आर्या टाइम्स के लिए मनीषा की रिपोर्ट। मैं महिला मंडल प्रधान सुनला सुनीता डोगरा अंजू दीवान के माध्यम से डीसी चंपा और वीडियो सुनोनी से निवेदन करती हूँ। हमारे महिला मंडल सुनला को भवन निर्माण बनाने के लिए मदद करें और धन्यवाद। आज जो मैं सुंडला में यहाँ पहुँची हूँ, यहाँ जो हमारी महिला मंडल की माताओं बहनों ने ये बैठक रखी है, तो वैसे तो बहुत सारी इन्होंने समस्याएं बताई हैं, बहुत सारी अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, लेकिन सबसे विशेष जो इन्होंने अपनी बात रखी है वो ये है कि हम हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, इनका कहना है कि हम कहीं भी टूर पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी विधानसभा जाएं, हम अपनी राजधानी जाएं और वहां जाकर जो है वो ये महिलाएं अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हैं और उनसे अपनी बातचीत करना चाहती है। हालांकि इनकी खास कोई समस्या नहीं है, खाली इनका यही कहना है कि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिलना चाहती हैं। तो मेरा मीडिया के जरिए भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से ये निवेदन रहेगा कि हमें